हाँ नहीं बोलूंगा, डोंट वरी। किससे बात कर रहे थे? तुमसे मतलब? बहुत सीधा सा सवाल था, बहुत सीधा जवाब चाहती। मौनकुश, मैंने भी तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया है। Really? You know what? You're right. तुमने भी जवाब दिया, लेकिन सब झूठ। जो हो गया सो हो गया। अब मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगा, तुम्हें जैसे जीना है जियो। बात को टालो मत कुशान, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। 24 घंटे फोन पर लगे रहते या मैसेज पर, जब मैं आती हूँ तो फोन काट देते हो, यहाँ तक कि तुम बाथरूम में भी अपना फोन ले जाने लगे। वेरी स्मार्ट लावण्या अग्रवाल, जो बातें मुझसे सुनने को मिली वही बातें मुझे सुनाने की कोशिश कर रही। ऐसी कोई बात नहीं, ना ही उस तरह के इल्जाम लगाए कुशान, सिर्फ पूछ रही हूँ तुम्हारे साथ आजकल चल क्या रहा है। आई कैन स्मेल समथिंग फिशी। मैं जानना चाहती हूँ कुशान, किस हक से? जानने का हक तुम खो चुकी हो लावण्या। अब मैं तुम्हारे किसी भी बेवकूफी भरे सवाल का जवाब देने के लिए बाउंड नहीं हूं। अब श्योर है ना, मंडे तक बेल मिल जाएगी? डोंट वरी मिसेस स्वेका, पुलिस को इस केस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मुझे फॉरवर्ड करने के ऑर्डर्स आ चुके हैं। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स जल्दी कलेक्ट करके मंडे को एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर दूंगा। मेनवाइल आप कोशिश कीजिए कि आपकी फैमिली और मिस्टर स्वेका को थोड़ा पॉजिटिव मीडिया कवरेज मिले। ये सब बातें कोर्ट में मैटर करती हैं। जी मैं अरेंज करवाती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अपने पति को बचाने के लिए कितनी जी तोड़ कोशिश कर रही है। मान गई आपको और आपकी पत्नी धर्म को। ए नासिर, अरे बंद ना इसको, क्यों नहीं चालू हो रहा टीवी? अरे भाई कब से कोशिश कर रहा हूँ पर चालू ही नहीं हो रहा, मालूम नहीं क्या हुआ इसमें। देख मुझे कुछ नहीं सुनना, आज इंडिया का क्रिकेट मैच है, उससे पहले ये चालू करा। तो एक काम कर, किसी टीवी रिपेयर करने वाले को बुला। अरे वो नजदीक अभी लेके आता हूँ। वाओ त्रिशा, लगता है तेरा प्लान कामयाब हो गया। अब इन्हें इस टीवी को ठीक कराने के लिए किसी ना किसी इलेक्ट्रिशियन को तो बुलाना ही पड़ेगा, और जो भी इलेक्ट्रिशियन आएगा वो इस रूम के दरवाजे के खुले बिना टीवी कैसे ठीक कर पाएगा? और मैं मौका देख के उससे मदद मांगूंगी। शायद वो मेरी मदद करके मुझे यहाँ से निकलने में और मैं अपनी मम्मा के पास पहुँच जाऊँ। Caught you too. What happened, Megan? क्या हुआ? कुछ नहीं विवान, बस मम्मा। पता है सब कुछ सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, एक हद तक सब कुछ सॉर्ट आउट हो भी जाता है, पर मम्मा वो कुछ ना कुछ करके ना वापस सारी चीजें बिगाड़ देती है। And it really hurts. मेरी समझ में नहीं आता हमारे पेरेंट्स ऐसा करते क्यों हैं। आई नो, इस पेन को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, मेरा भी कुछ यही हाल है। डैड को भी समझने लगा हूं, सबके साथ इतने अच्छे हैं, ही सो नाइस, लेकिन सब एवरीवन टेक्स हिम फॉर ग्रांटेड, मॉम भी। मैं अच्छा भाई बन पाया, ना एक अच्छा बेटा। वो विवान, नो। पास के कुछ दिनों में हमने एक चीज सीखी है कि कुछ भी चीज कॉन्स्टेंट एक जैसी नहीं रहती। अब
हमारे बीच में देख ले यार, हमारे बीच में कितने डिफरेंसेस और कितने इश्यूज थे। इतना था कि हम एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते, और आज हम एक साथ है ना। विद टाइम बाकी सब कुछ भी ठीक हो जाए। या बॉबी, यू आर राइट। एक्चुअली विवान, जब तू ऐसे मुंह लटकाता है ना, तो मुझे किसी की याद दिलाता है, वो गोरिल्ला की। गोरिल्ला? गोरिल्ला। और ये जो शक्ल है ना तेरी, जब तू रोती है ना, छिपकली की। और मुझे गोरिल्ला बुला रही है। अच्छा, तू गोरिल्ला लगता है। अब मैं किसको समझाऊं? दोनों ही सच बोल रहे हो। बचपन में कितना मजा आता था ना। या यू आर राइट। और त्रिशा, त्रिशा सबसे ज्यादा मारती थी हमें। मैं जानती हूँ कि आप सभी को प्रतीक से कोई ना कोई नाराजगी जरूर है। उन्होंने सबका बहुत दिल दुखाया है। फिर भी इस वक्त मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मीडिया के सामने आप सब उसे सपोर्ट करें, क्योंकि प्रतीक वाकई बेगुनाह है। अमृता, प्रतीक के बारे में कुछ कह नहीं सकते, यू नो दैट। प्रतीक इज सो हाईली अनप्रेडिक्टेबल। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। मैं मानती हूं कि प्रतीक हैज़न्ट बीन द बेस्ट ब्रदर एंड ही इज नॉट द बेस्ट ब्रदर इन लॉ, लेकिन वो एक बुरे पिता नहीं है। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, और मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि प्रतीक बेगुनाह है। और इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है उनकी फैमिली की। प्लीज। ऑफ कोर्स। फैमिली होती किसके लिए है? जो हो रहा है उसके साथ बुरा ही हो रहा है। अपनी ही बेटी की किडनैपिंग के इल्जाम में फंसा है, अरेस्ट वारंट है, सीईओ की कुर्सी उसने खाली करनी पड़ी है, और गौरव को सीईओ बनाना पड़ा है। इट्स ऑल वेरी सैड। क्या ठीक है, मैं प्रतीक को पब्लिकली सपोर्ट करूंगी। थैंक यू। हाँ भाभी, हम डेफिनेटली, हम सब भाई के साथ हैं। ये सच है कि मैं प्रतीक को बिल्कुल लाइक नहीं करता, लेकिन आपके लिए मैं उसे सपोर्ट करूंगा। थैंक यू। पर अमृता, अगर प्रेस ने हमसे कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जिसके हमारे पास जवाब नहीं है तो क्या करें? दी, ये जरूरी नहीं है कि उनके हर सवाल का हम जवाब दें। हमें बस मीडिया को ये दिखाना है कि हमारी पूरी फैमिली प्रतीक को ही सपोर्ट करती है। सब लोग पहुंच गए मैम, चलिए हमें चलना चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स, आप लोग चलो, आई हैव टू मेक अ कॉल। तुम ये कवर करने आए हो? गुड, ध्यान से सुनो। कैसे भाषा बोल रही हो मौसी? ऐसी भाषा क्या है? भाषा ठीक करने के लिए तुमने उर्दू टीचर मंगवाया है नया? शकील। हाँ। हाँ। अरे मैंने सुना है कि उर्दू से ना जबान साफ रहती है। क्या बात कर रही? मैं तो अभी दंत मंजन कर रही थी। कभी भी मॉम डैड की बात को लेकर परेशान है हो? नहीं बॉबी, मैं मम्मा पापा के बारे में नहीं सोच रही। फिर इट्स ऑल अबाउट विवान। मुझे लगता है कि वो जितना भी प्रेटेंड करने की कोशिश करे कि वो ओके है, वो ओके नहीं है।
सीरियसली आई फील लाइक कि वो अपनी गिल्ट से अभी भी बाहर नहीं आ पा रहा है। यस ऑनेस्टली मुझे भी ऐसे लगता है। हालांकि उसने ड्रग्स करना छोड़ दिया है पर वो बूज अभी भी करता है। सीरियसली बॉबी हमें कुछ करना होगा। पहले की बात और थी बट अब हम तीनों साथ हैं। हमें ना उसकी गिल्ट ट्रिप से उसे डिस्ट्रैक्ट करके उसका ध्यान कहीं और ले जाना होगा। क्या कर सकते हैं? बिंगो। एक चीज है जिसे विवान कभी रेजिस्ट नहीं कर सकता। क्या? अ सुपर हॉट गर्ल। राइट। बट प्रॉब्लम है यार। क्या? विवान आजकल किसी को डेट ही नहीं कर रहा है। नहीं आगे से जाकर बात करता है। तो क्या हुआ? वो डेट नहीं करता तो हम उसे डेट करवाएंगे ना? लाइन डेट? व्हाट से? कोई प्लान है? अरे यार फ्रेंड्स बुक जिंदाबाद। तो अरे ओ भैया मैच से पहले ठीक हो जाएगा कि नहीं? भाई साहब कोशिश तो कर रहा हूं, थोड़ा सब्र रखिए ना। कहाँ जा रहे हो ऊपर? ये केबल की वायर ऊपर वाले कमरे के अंदर से आ रही है। ऊपर का दरवाजा खोलिए, मुझे केबल तार चेक करना पड़ेगा। ऊपर का दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजा नहीं खुलेगा तो मैं चेक कैसे करूंगा? ये लोग इसके सामने दरवाजा नहीं खोल रहे, इसका मतलब कि ये उनसे मिला हुआ नहीं है। मैं इसकी मदद ले सकती हूँ। रुक, एक काम कर, तू बाहर जाके वेट कर, मैं कमरे की चाबी ढूंढता हूँ, जैसे मिलती है तुझे अंदर बुलाता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी कीजिए। क्या देख रहा है? जा मैं बुलाता हूं। जाओ उसके मुंह में कपड़ा ठूसो और किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दो। जा जल्दी। अरे भाई ये तो केबल वाले का फोन है। अरे भाई वो वापिस आ रहा है। अरे केबल वाले ये फोन उन छोड़, दरवाजा खुल गया, चल जल्दी अपना काम कर चल। अरे चल रहे ना भाई। अरे चल रहे क्या, मैच छुड़ जाएंगे तेरे चक्कर। केबल वायर तो किसी ने काटा हुआ है, टीवी कहां से चलेगा? चले इतना दिमाग मत चला, जल्दी जॉइन कर। अरे कर रहे हैं ना भाई। एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, मेरे साथ में कोई होशियारी नहीं, तूने इसीलिए फायर काटी थी ना कि तेरी मदद के लिए कोई आ जाएगा, तेरी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, समझी? चलो भाई तुम लोग।
पिछले दिनों जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हमारे यहाँ पर हुए हैं उन पर एज एन इंडिविजुअल हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं। मैं प्रतीक स्वायका की बड़ी बहन होने के नाते आपको ये बताऊं कि पिछले कुछ दिनों में जो प्रतीक के साथ हुआ है आई एम शॉक्ड एंड आई एम वॉरिड। साथ ही मैं आपको बताऊं कि प्रतीक इन सबसे बाहर निकल आएंगे इस बात का मुझे पूरा यकीन है बिकॉज प्रतीक इज अ फाइटर और वो हमेशा जीतते आए हैं, इस बार भी जीतेंगे बिकॉज ही इज इनोसेंट एंड वी बिलीव दैट। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि कुछ ही दिनों में प्रतीक अपनी बेगुनाही का सबूत सामने लाएंगे। मेरी बेटी मुझसे दूर है और प्रतीक के ऊपर ये घिनौना इल्जाम लगाया गया है कि वो उसके बेटी का किडनैपर है। त्रिशा मेरी बेटी है लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इस वक्त मुझसे कई ज्यादा परेशान होंगे प्रतीक। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है एक पिता के लिए कि उसी के ऊपर उसके बेटी के किडनैपिंग के चार्जेस लगाए गए हो। लेकिन प्रतीक बेकसूर है, बेगुनाह है। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मैं प्रतीक के साथ हूं और मेरी पूरी फैमिली उसके साथ है। स्वायका परिवार के इस मुश्किल समय में हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि पब्लिक के सामने ऐसी कोई भी बात नहीं लाएंगे जिससे हमारी परेशानी या हमारी मुश्किलें और भी बढ़ जाएं। Thanks for coming. Thank you so much. Excuse me, Mrs. Swayka. क्या आप बता सकते हैं कि मिस्टर प्रतीक इस समय कहाँ है? नहीं, प्रतीक स्वायका इसलिए तो फरार नहीं है क्योंकि वो वाकई गिल्टी है। वो इस देश के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, किस बात से डर रहे हैं? मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। He is innocent. प्रतीक बेगुनाह है। क्या पिछली कॉन्फ्रेंस में मिस्टर स्वायका ने अपनी बेटी की मिसिंग को यूज किया था? हम सारे जवाब दे चुके हैं। थैंक यू। Excuse me, please, जवाब दीजिए हमें। मिस्टर स्वायका, एक नो, 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 अमृता, तुम जितनी भी कोशिश करो प्रतीक स्वायका को नहीं बचा सकती। वो तो गया। हेलो, मैं बोल रहा हूँ अमिता। प्रतीक, थैंक गॉड, कहाँ हो तुम? मैं अभी किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता अमिता। बस इतना बोल सकता हूँ कि अगर कर सको तो भरोसा कर लो कि मैंने त्रिशा को कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ प्रतीक, कम से कम इस एक बात का तो भरोसा है ही कि तुम तुम्हारी बेटी को बहुत चाहते हो। थैंक यू अमिता। आज प्रेस के सामने तुमने जो स्टेटमेंट दी, जो भरोसा मुझ पे दिखाया, उसके लिए थैंक यू। अमिता कोई तो है जो इस केस में मुझे फंसाना चाहता है। कौन है समझ नहीं आ रहा, लेकिन उस इंसान को ढूंढने के लिए ये चार्ज का मुझ पे रखना बहुत जरूरी है। तुम चिंता मत करो प्रतीक, मैंने मिस्टर सक्सेना से बात की है। थैंक्स अगेन, बाय। प्रतीक, वन मिनट। तुम कहाँ हो, किसके साथ हो? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता अमृता। मुझे नहीं बता सकते? क्या तुम्हें लगता है कि मैं? नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं ये उतना ही भरोसा वो सीसीपी कबीर राणा पर भी है, इसीलिए। लेकिन फिलहाल प्रतीक स्वायका की कोई खबर नहीं है। हमारे विश्वसनीय सूत्रों से ये पता चला है कि पुलिस प्रतीक स्वायका के खिलाफ एक वाटर टाइट केस तैयार कर रही है जिसमें उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि उनका उनकी सेक्रेटरी नेहा के साथ नाजायज संबंध है।
जिसका पता त्रिशा को लग गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बेटी त्रिशा की किडनैपिंग करवाई ताकि दुनिया को उनके नाजायज संबंधों के बारे में ना पता लग सके। कबीर, ये तुमने ठीक नहीं किया।